पाकिस्तान से लाई गई मूक बधिर गीता के परिवार को ढूंढने के लिए रेलवे पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस द्वारा पैम्पलेट तैयार किए गए जिसमें गीता की तस्वीर है। ये पैम्पलेट इंदौर से आने जाने वाली ट्रेनों में लगाकर यात्रियों को दिखाए जाएंगे ताकि गीता की पहचान हो सके। रेलवे पुलिस गीता के परिवार को ढूंढने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में गीता ने बताया कि उसका घर एक रेलवे स्टेशन के पास था, जहाँ एक मंदिर है और मंदिर के पास नदी है और गीता नदी में नहाया करती थी। वहीं अब रेलवे पुलिस ने एक पोस्टर तैयार किया है जिसमें गीता की तस्वीर है। शुक्रवार को अलग अलग थानों के 17 अधिकारियों की मीटिंग में इन पैम्पलेट को रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इनका इंदौर से आने जाने वाली हर ट्रेन में यात्रियों को इस पोस्टर को दिया जाएगा ताकि बिछड़ी हुई गीता को अपना परिवार मिल सके, जिसको लेकर रेलवे पुलिस जी और जान से जुटी हुई है। गौरतलब है कि इससे पहले रेलवे पुलिस ने गीता को इंदौर रेलवे स्टेशन लेकर भी पहुंची थी, जहां उसे कई तरह की तस्वीरें दिखाई गई थी जिसे देखकर वह अपने गृह क्षेत्र की पहचान कर सके। जो गीता कुमारी है, ये हमारे एडीजी सर अरविंद कुमार से मिली थी उनके कार्यालय में जाकर भोपाल में, तब वहाँ से निर्देश जारी हुआ कि इसकी मदद करना, और इसी आधार पर हम लोगों ने ये पंपलेट तैयार किया हुआ है जिसमें उसका फोटो है और तस्वीर है। तो इसमें जो गीता कुमारी ये बता रही हैं कि मेरा जो घर है वो एक रेलवे स्टेशन के पास है, उस रेलवे स्टेशन के पास में एक मंदिर है, उस मंदिर के सामने नदी या तालाब कुछ है जहाँ नहा करके मंदिर जाते हैं, इतना ही इसको याद है और इसी आधार पर वो अपना घर ढूंढ रही है। तो हमारे जो कि आज हमारी क्राइम मीटिंग है और हमारे सभी 17 अधिकारी आए हुए हैं जो अलग अलग थानों में पदस्थ हैं, तो उनको ये पंपलेट हम डिस्ट्रीब्यूट करके इनको बता रहे हैं कि आप इसको अपने रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पर और जो ट्रेन उनके यहाँ से गुजरती है उसमें वितरण करें और लोगों को इसको समझाइश दें कि अगर वो इस कारण से भी इसकी हेल्प हो सकती है छोटी सी हमारी प्रयास से, तो बहुत बड़ी बात है। पंपलेट्स के अलावा बैनर्स भी आप यूज़ कर रहे हैं विभिन्न प्लेटफॉर्मों? हाँ, पंपलेट्स के अलावा बैनर भी हम कोविड को देख करके हम लगा रहे हैं, क्योंकि अब चूँकि ट्रेनें अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी और यात्रियों की संख्या बहुत बढ़ जाएंगी, तो हम यात्रियों को भी कोविड से अपनी सुरक्षा करने के लिए अपील कर रहे हैं कि अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो ये बीमारियां हो सकती है, इसके ये मतलब इसके चिन्ह हैं ऐसे, तो इस कारण से वो भी हम कर रहे हैं साथ में। मैम, आपके द्वारा की टीम जो गीता को साथ लेकर आई है? हाँ, इंदौर जो पुलिस है, जो इंदौर रेल हमारा थाना है उसको, उसमें हमने भी टीम गठित कर रहे हैं। जैसे ही गीता चाहेंगी कि हमको उस संबंधित राज्य में जाना है तो हम उसके साथ भेजेंगे इसको। मैम, साइकिल मार्च भी निकाल एक साइकिल? हाँ, साइकिल रैली है, मतलब साइकिल रेस की एक प्रतियोगिता हम आयोजित कल कर रहे हैं 7/11/20 को, जिसमें हमारे सभी GRP के सब कर्मचारी, उनके बच्चे, उनका परिवार है। एक मैसेज हम देना चाहते हैं कि हम पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं, फ्यूल बचा सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित, मतलब स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। एक साइकिल रैली, साइकिल रेस के माध्यम से एक हमारा आह्वान है जनता के साथ में, और उसको हम ये रैली जाएगी बिचोली हब्सी से लेकर कनाडिया, और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का इसका दूरी है, और छोटे बच्चे जो हैं 12 से 18 वर्ष के वो 5 किलोमीटर का दूरी तय करेंगे। मॉर्निंग में कितने लोग से? 5:30 से स्टार्ट हो जाएगा, और हम इसको बिल्कुल कोविड के हिसाब से हमने किया है, हम 10-10 लोगों के ग्रुप में लोगों को भेजेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। थाने के अलावा और भी कई पुलिसकर्मी भी इसमें? हाँ, इसमें RPF के जवान और RPF के अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं, और मैंने आज रिक्वेस्ट किया है SP मुकेश जैन साहब से कि वो आएँ और इस प्रोग्राम में शामिल रहे हमारे साथ, तो आएंगे हमारे साथ, वो भी आएंगे।